गाइस अभी मैं कर रही हूँ ब्रेकफास्ट। ब्रेकफास्ट में मैंने आलू के पराठे क्लोज अप ले लेती हूँ मैं। आहा मस्त गाइस, जैसे कि अभी हम आए थे बैंक के काम से, बैंक का काम हो गया है और अभी मार्केट देखो तो आप सब चीज़ें खुल गई, इधर देखो तो इधर सब चीज़ें खुल गई और अच्छा लग रहा है ऐसे चहल पहल देख के। देखो सब चीज़ खुल गई और कितने सारे जने अच्छे अच्छे से दिख रहे हैं। अभी मैं और पापा आए थे दोनों बैंक के काम से, बैंक का काम हो गया। अभी मार्केट में आए थे तो मैंने कहा चलो ब्लॉग बना लेती हूँ, तो मैंने आपको भी दिखा दिया और आप देख सकते हो इतना अच्छा माहौल हो रहा है यहाँ का। तो गाइस अभी मेन मार्केट में आ चुके हैं और आप सब देख लो, आप खुद ही देख रहे होंगे कि इतनी भीड़ हो रही है कि बस मतलब एक्चुअली सब चीज़ खुल गई है। सो गाइस अभी हम गुरुद्वारे में आए हैं और सो गाइस देख सकते हो आप जैसे कि शूज़ खोलने तो गाइस अभी कपड़ा बांधना पड़ेगा सिर पे मुझे, मैं कैसे बांधू। तो गाइस हमने परमिशन ले ली है कि वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हैं क्या, तो उन्होंने कहा हाँ ओके चलाओ। अरे मेरी तो टोपी है ना, चलते रहते चलते। अभी हम गुरुद्वारा के अंदर आ गए हैं, गुरुद्वारा के अंदर आने के बाद दर्शन कर लिए और यहाँ पर देख सकते हो कितना अच्छा झूमर है। Oh.
लंगर लगता है सुबह कहाँ पे लगता है लंगर? ये लंगर भोजनशाला है और नीचे भोजन मिलता है, भोजन खिलाते हैं। तो गाइस देखो वहाँ माँ खाना बनाते होंगे लंगर का, खाना बनाते हैं वहाँ, लंगर का खाना बनाते हैं। और गाइस अभी हमने यहाँ पे दर्शन कर लिए और यहाँ ऊपर पापा कह रहे हैं कि ऊपर यहाँ स्टाफ रहता है, ऊपर जितने भी राहगीर आते हैं श्रद्धालु वो ऊपर रहने की जगह है, उनके कॉटेज वार्ड बना रखे हैं। और अभी हमने दर्शन कर लिए, अभी पापा का ले जा रहे हैं। तो गाइज ये गेट कितना यूनिक और इतना अच्छा दिख रहा है, आपको कैमरे में इतना अच्छा नहीं दिख रहा होगा जितना मेरे को असलियत में अच्छा दिख रहा है। तो ग्रेट सक्सेस। और बहुत गर्म है यहाँ, तो बहुत गर्म हो रहा है, सॉक्स के अंदर में मेरे पाँव जल गए। और यहाँ नीचे खाना खिलाते हैं। सो गाइज ये बहुत अच्छी बात है कि ये सैनिटाइजर और मास्क यहाँ रख रखा है। और किसी के पास मास्क सैनिटाइजर नहीं हो तो वो यहाँ से ले सकते, परचेज कर सकते। रिद्धिमा भट्ट व्लॉग्स, हाँ, और आर्ट वाला चैनल भी है रिद्धिमा भट्ट आर्ट्स, हाँ। फिर उन्होंने मेरे से पूछा कि आपका YouTube चैनल किस नाम से, तो मैंने बोला रिद्धिमा भट्ट आर्ट्स और रिद्धिमा भट्ट व्लॉग्स, तो मैंने दोनों चैनल के नाम बता दिए उनको, उन्होंने खुद ने आगे होकर पूछा मेरे से, तो बस मैंने बता दिया। और अच्छा लगा मेरे को यहाँ आके, और मैं शूज पहन रही हूँ, अरे शूज में कब से ट्राई कर रही हूँ पहनने का, पर पहन ही नहीं जा रहा। ओ सॉक्स भी उतर गया, अरे यार ये एंकल सॉक्स की यही प्रॉब्लम है, अच्छे तो रहते पर अच्छे दिखते हैं, अच्छे रहते नहीं है, ये खुल जाते हैं दो दो सेकंड में। ओपन नहीं, दोनों हाथ से पहनना पड़ा ना, इसलिए वो पहन। चलो अब हम निकल रहे हैं गुरुद्वारे से, तो बहुत अच्छा लगा मेरे को यहाँ पे आके। और ये अंकल जो है ये बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, सैनिटाइजर और मास्क दे रहे हैं यहाँ पे, अगर कोई मास्क सैनिटाइजर भूल गया तो वो यहाँ आके परचेज कर सकता है। सो गाइस जैसे कि आप देख सकते हैं एकदम प्लेन वाइट और कितना अच्छा लग रहा है। और अभी हम निकल रहे हैं, पापा और मैं ही आए थे और कोई नहीं आया था, फिर शाम को आएंगे मम्मी के साथ में। सो गाइस अभी हम आए हैं काशी भैया से मिलने, और जैसे कि आपको पता नहीं हो तो मैं बता दूँ उनके इंस्टाग्राम पे 2 लाख से भी ज़्यादा फॉलोवर्स है, और क्या पता वो यहाँ पे मिल जाए यार, यहाँ पे ही बैठते हैं वो, उनके मटकी का ही काम है, तो प्लीज भगवान वो मिल जाए। आंटी काशी भैया नहीं बैठते क्या? काशीराम प्रजापत, काशीराम जी, काशीराम जी है उनकी मम्मी है वो। अच्छा, तो गाइस उनकी मम्मी के पास जा रहे हैं, उन आंटी ने बताया, तो अभी पापा बात कर रहे हैं अभी। नहीं है क्या पापा कहाँ पे? तो गाइस ये काशी भैया की मम्मी है, और काशी भैया कब तक आएंगे? गए है तुम आई। अच्छा, और आपका नाम? मेरा नाम सोनी है, सोनी भाई। अच्छा, तो गाइस अभी आम ले रहे हैं पापा, कितने बड़े बड़े आम है, ये वाला कितना बड़ा है। उनकी यहाँ शॉप है, और यहाँ करबला शरीफ के जस्ट सामने, तो अभी तो वो मिले नहीं क्योंकि वो आएंगे रात में, शाम के समय, शाम के समय आएंगे तो अब वो
जब आएंगे, जब उनसे मिलेंगे, आज उनकी मम्मी से हम मिलेंगे तो। और अब हमने इतना सामान ले लिया है तो फिर इसको रख रखा है, मेरा पॉकेट बैग यहाँ पे मेरे टांग रखा है इसको। सो गाइस पापा कह रहे हैं ये पूरा भरा हुआ है कुआं पानी से। हाँ यार ये तो ऊपर तक भरा हुआ है, ऊपर तक भरा हुआ है और यहाँ बहुत गर्म हो रहा है। देखो पूरा ये ग्रीन ग्रीन जो दिख रहा है ना, समझ लो वो पूरा ऊपर तक भरा हुआ है करबला शरीफ के इधर। और बस हम जा रहे हैं। सो गाइस अभी घर आ चुके हैं और फिर दम चेक कर लेते हैं, इसको पकड़ लिया। और काशी भैया से मिलने गए थे पर वो तो मिले नहीं, उनकी मम्मी मिले थे तो हमने उनकी मम्मी से पूछा हमने, तो उनने बोला था शाम को आएंगे वो रात में। तो बस उनकी मम्मी से मिलके अच्छा लगा, उनकी मम्मी थे वो तो कहीं और जगह पे थे तो उनने कहा कि रात को आएंगे। तो अब रात को जाएंगे तो जाएंगे, नहीं जाएंगे तो कोई बात नहीं, अगली बार ट्राई करेंगे। और गाइस अच्छा भी लगा गुरुद्वार में जाके, कितने दिनों बाद मतलब एक साल बाद हम मैं और पापा गए होंगे गुरुद्वारे सही में लॉकडाउन के बाद। लव है सो गाइस अभी आई हूँ छत पे, और छत पे आने के बाद में एज ऑलवेज कोई भी नहीं है। और हम मार्केट गए थे तो मार्केट से आने के बाद में मैंने खाना खाया, खाना खाने के बाद में थोड़ी देर फ़ोन चलाया, फ़ोन चलाने के बाद में सो गई थी। ठीक है हाय गाइस, हाय गाइस। हाँ तो मैं आते ही फिर खाना खाया और फ़ोन चलाया, फिर उसके बाद में मैं थोड़ी देर सो गई। हैं मेरे को क्या पता। तो गाइस देखो यहाँ पीछे धुआं धुआं हो रहा है, आपको दिख रहा होगा इधर, किसने जलाया है, यहाँ तक आ रहा है धुआं यहाँ तक। और अभी एक मेंबर आ चुके हैं छत पे ये, और अभी हैरी नहीं आया है। और अभी बज रहे हैं एग्जैक्ट 7:00, अभी थोड़ी देर में आ जाएगा, 5-10 मिनट में आ जाएगा। तो सुबह हो रहा है यार, अरे ये तो कच्चा बच्चा चलाया है ना, कुछ चलाया है। और अभी मैं क्या करूँगी वो मेरे को पता नहीं, कब खोलेंगे। बोल रहा है अभी चला गया भैया, तो बोल रहा है कि ना मोमोज वाले भैया खोलेंगे ना तब मंडे को खोलेंगे। आज क्या है, आज थर्सडे, बोल रहा है मोमोज वाले भैया खोलेंगे ना तो मंडे को लेके आएंगे। आज तो थर्सडे है, थर्सडे अभी तो 3 दिन बाकी है खुलने में। और अरे भाई इतनी गरम गरम हवा आ रही है वहाँ से, और अभी कोई भी नहीं आया यार छत पर, कोई भी नहीं आया, मैं अकेली हूँ यार। अबीर चला गया इसका मतलब कोई भी नहीं आएगा, देखो कोई नहीं है। देखो अब अबीर जैसे ही आएगा ना, अबीर उस किनारे के घर गया, और अबीर जैसे ही आएगा ना देखो सब का शाम को आना शुरू हो जाएगा। मैं आपको पक्का दिखाऊंगी, जब अबीर आएगा तब मैं दिखाऊंगी कि सब आते हैं देखना, अभी तो कोई भी नहीं है देख लो। तो गाइस आज के ब्लॉग को बस इतना ही रखते हैं, और वीडियो यहाँ तक देख ली तो वीडियो को लाइक करके जाना, चैनल पे सब्सक्राइब कर देना, मिलता है किसी बड़े से वीडियो में। थैंक यू सो मच वॉचिंग, बाय। और मेरे को इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना, ठीक है बाय। पैर यहाँ रखी थी, यहाँ से खिसका के लाई, और मैं ऐसे खिसका रही थी देखो, ऐसे ऐसे ऐसे, मतलब यहाँ पाँव था मेरा, ये दोनों पाँव यहाँ पे थे, और यूँ ले जा रही थी, और यहाँ कट गया यार, छिल गया।